हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग ट्रैवल ट्रिक्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों बात करते हैं पहले अपडेट की जो आ रहा है एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से। बुकिंग्स जो है ओपन कर दी गई है कोची, दोहा, मैंगलोर और कोची के लिए। फ्लाइंग डेट्स जो है वो रहेगी 10 अक्टूबर, 17 अक्टूबर और 24 अक्टूबर। कोची से दोहा की जो फ्लाइट है सुबह 7:15 पे होगी, दोहा से मैंगलोर की जो फ्लाइट है सुबह 10:00 होगी और मैंगलोर से जो कोची की फ्लाइट है वो होगी शाम को 5:15 पे। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं तो आप एयर इंडिया की वेबसाइट पे जाके जो है इसकी बुकिंग कर सकते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की जो आ रहा है एयर इंडिया की तरफ से। एयर इंडिया ने जो है अपने ट्विटर अकाउंट पे एक पोस्ट किया है और अपने पैसेंजर से रिक्वेस्ट करी है कि इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए जो है आप 4 घंटा पहले एयरपोर्ट पर पहुंचे और डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए 3 घंटा पहले एयरपोर्ट पे पहुंचे, क्योंकि जो चेक इन काउंटर है उनको 1 घंटा पहले बंद कर दिया जाएगा। ये जो रिक्वेस्ट है बहुत टाइम पहले भी करी गई थी, क्योंकि लोग जो है अब ट्रैवल कर रहे हैं तो एयरपोर्ट पे जो है बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। जो लोग यूके ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि एडिशनल फ्लाइट्स जो हैं एयर इंडिया ने ऐड कर दी हैं। अगर आप दिल्ली या अमृतसर से बर्मिंगम के लिए जाना चाहते हैं तो बुकिंग्स जो हैं ओपन हो चुकी है, और उसी तरीके से बर्मिंगम से अमृतसर और दिल्ली के लिए भी जो है बुकिंग एयर इंडिया की वेबसाइट पर अवेलेबल है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से। जयपुर से दुबई के लिए जो है फ्लाइट की बुकिंग जो है शुरू हो चुकी हैं। 9, 14, 16, 21 और 23 अक्टूबर के लिए जो है बुकिंग अवेलेबल है। आप एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट पे जाके जो है कर सकते हैं। डिपार्चर होगा शाम को 8:15 पे और अराइवल होगा दुबई में 10:10 पे। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की जो है नमस्ते लंदन यानी कि स्पाइस जेट की तरफ से। स्पाइस जेट ने जो है बहुत ही धमाकेदार अनाउंसमेंट करी है। नई दिल्ली से और मुंबई से लंदन के लिए डायरेक्ट फ्लाइट जो है उनकी शुरू होने वाली है 4 दिसंबर 2020 से। तो अगर आप जो है बुकिंग करना चाहते हैं आप उनकी वेबसाइट पे जाके जो है बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग्स ओपन हो चुकी है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की जो है इंडिगो एयरलाइन की तरफ से। इंडिगो एयरलाइन ने जो है अपनी डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए जो बैगेज अलाउंसेज हैं उसको रिवाइज कर दिया है 1 अक्टूबर 2020 से। अब आप जो है एक ही बैग ले जा सकते हैं और उसकी जो लिमिट है वो है 15 किलो। तो अगर आप जो है पैकिंग कर रहे हैं तो प्लीज इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की जो है एयर इंडिया की तरफ से। एयर इंडिया ने जो है बड़ा कमाल का एक पोस्ट किया था अपने ट्विटर अकाउंट पर, मेंशन किया है कि वेलकम बैक हैवी वेट। तो अब जो है आप इकोनॉमी के लिए 25 किलो ले जा सकते हैं और बिजनेस क्लास के लिए जो है 35 किलो अलाउड है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की जो है आईआरसीटीसी की तरफ से। आईआरसीटीसी की तेजस एक्सप्रेस जो है बैक ऑन ट्रैक आने वाली है 17 अक्टूबर 2020 से। कमाल की ये ट्रेन है जो अहमदाबाद मुंबई, अहमदाबाद और लखनऊ, न्यू दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो है चलती है। अगर आप जो इसकी बुकिंग की प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत जल्दी जो है आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे इसकी बुकिंग जो है ओपन होने वाली है। दोस्तों फेस्टिव सीजन जो है इंडिया में शुरू होने वाला है और बहुत सारे लोग जो है डिफरेंट स्टेट से जो है ट्रैवल करते हैं इंडियन रेलवे के थ्रू, तो उन्होंने जो है 39 स्पेशल ट्रेन जो है चलाने का फैसला किया है। उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि ट्रेन जो है कौन सी जगह से कौन सी जगह के लिए चलेगी। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट जो है कनाडा की तरफ से। पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जो है कनाडा ने 31 अक्टूबर 2020 तक जो है टूरिस्ट को बैन कर दिया है। अगर आप जो है वहां पे ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे थे तो अभी फिलहाल जो है कनाडा टूरिस्ट को अलाउड नहीं करेगा 31 अक्टूबर 2020 तक। दोस्तों ये थी आज की लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको जो है आज का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं, क्योंकि उससे होगा ये कि मेरे जो भी वीडियोज़ अपलोड होंगे उसकी नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुँच सकेगी सबसे पहले। वीडियो को लाइक जो है जरूर करें, इस पर कमेंट भी जो है जरूर करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि सबको जो है इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लग सके। जल्दी मिलूंगा मैं आपसे अपने अगली वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।